अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं SBI का, तो बहुत दिन से यूजर नेम पासवर्ड आप लॉगिन नहीं किए हैं, तो मैं आपको बता दूं वो पासवर्ड आपका एक्सपायर हो चुका है। जी हाँ, वो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बैंक की तरफ से एक पॉलिसी है जिसमें कि आपको बताया जाता है अगर कुछ दिन तक आप लॉगिन नहीं करते, जैसे कि 1 महीने 2 महीने, तो आपको वो पासवर्ड जो है एक्सपायर हो जाता है। अगर उस पासवर्ड से आप कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि लाइक नेट बैंकिंग से, तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाइएगा, आपको कोई दूसरा पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो क्या है पॉलिसी, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा आपको आ रहा होगा कि इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड एक्सपायर, ये बैंक का पॉलिसी है कि आप इसे चेंज कर लें। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बगल में ऑनलाइन SBI.com पे हम आ चुके हैं, और ये आने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में देखिए यूजर नेम पासवर्ड, ये जो कैप्चा देख रहे हैं इस बॉक्स में आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसे आपको एक OTP आएगा। OTP आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नेट बैंकिंग में पहुँच जाते थे, अपना अकाउंट आपका जो है खुल जाता, नेट बैंकिंग ओपन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आ रहा है ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड। तो सबसे पहले जो आपका ओल्ड पासवर्ड से आप लॉगिन किए हैं उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद जो आप बनाना चाहते हैं नया, वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो कन्फर्मेशन के लिए जो आप नया बनाए हैं वही दोबारा यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका इंटरनेट बैंकिंग का सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप जो है फिर से दोबारा जाएंगे, कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड इंटर करेंगे, कैप्चा इंटर करेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे नेट बैंकिंग खुल जाएगा, जहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र बैलेंस चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो एक पॉलिसी है कि आप कुछ दिनों तक नेट बैंकिंग का यूज़ नहीं करते हैं तो आपको इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड जो है एक्सपायर हो जाता है, जो कि आपको चेंज करना पड़ता है, यानी कि अपडेट करना पड़ता है। ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारा सपोर्ट आप कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम का ID यहाँ पर आ रहा होगा, तो फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी को नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।